संजीव झा जी, इस बार छठ मनाने कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, हमने दिल्ली के यमुना घाट पे भी और दिल्ली में 1200 जाइएगा, जगह पे दिल्ली सरकार ने उससे पहले घाट आपको बनाया है। घाट लिए चलती हूं बारह मैं, सौ बारह उसके आप पहले। अंजना जी नहीं, मेरी अरे बात सुनिए सुनिए ना ना, संजीव जी, सुनिए ना, मेरी पूरी कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको घाट लिए चलती हूँ। सुशांत मेरा, हमारे सहयोगी वहीं पर सवार है। सुशांत, जरा दिखाइए झाजी को और उसी के साथ पूरे देश को कि जिस यमुना जी में इस बार छठ होना है वहां क्या हाल। हाँ देखिए अंजन, आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं जो हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। यह कालंदी कुंज की यमुना घाट का इलाका है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको सफेद झाग यानी केमिकल जो है वो साफ तौर पर नजर आएंगे। पिछले साल छठ पर्व पर भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही थी, अब भी इसी स्थिति में जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। इस पूरे यमुना घाट में जिस तरीके से ये सफेद झाग आ रहे हैं, इसको यहाँ से दूर करने के लिए कि तमाम जो छठ के व्रती हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं, उनको इस प्रकार की स्थिति देखने को ना मिले, बाकायदा उसके लिए यहाँ पर केमिकल के घोल जो है वो बनाए गए हैं, रखे गए हैं, ताकि यहाँ पर छिड़काव किया जाए, इस पूरे सफेद झाग को जो है वो खत्म किया जाए। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी जो है वो लगातार तेज होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ पर, बीजेपी यमुना के घाट पर, कांग्रेस भी यमुना के घाट पर पहुंची है। अनिल जी, यमुना के घाट पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, क्या स्थिति, क्योंकि सरकार का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं। देखिए, एक तरफ अरविंद दावे कर रहे हैं कि पहले की तरह हम छठ मनाएंगे, दूसरी तरफ हमारे पास कंप्लेंट थी एप्लीकेशन से, सामने बैठे हमारे यहाँ के छठ पूजा समिति के प्रधान है। जब हमारे पास इस तरह की सूचना, हमने कहा कि हम भी देखते हैं किस तरह से प्रदूषण मारा गया है, पर यहाँ आके देखा तो ये अफसोस की बात है। यहाँ अरविंद अपने गुनाहों पर जो छिड़काव कर रहे हैं, ये जो प्रदूषण दिख रहा है, जो झाग दिख रहे हैं, ये कोई डल लेक नहीं है, ये गंदा पानी है। और इस पानी में आप देखिए, छोटे बच्चे डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये देखिए, ये पानी की हालत है, काला पानी, ये प्रदूषित है, जहरीला पानी, और इसमें ये छिड़काव। आज अरविंद ने कहा कि मैं जादूगर हूं, ये जादूगरी है। आप जिस तरह से छिड़काव यहाँ करें, सिलिकॉन डिफॉगमेंट एक केमिकल है, उसको आप डाल के इनको तो आप शांत कर सकते हैं, क्या प्रदूषण ये दूर होगा? इस सवाल इस बात का है, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ, अरविंद ने 8 साल में 2000 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किया है। यमुना आरती किया करते थे, मेरी बात मुझे एक बार मौका दीजिए प्लीज, यमुना आरती करते हैं, लेकिन यार वो कहते हैं कि मैं एक दिन आस्था की डुबकी लगाऊंगा, तो कब आस्था की डुबकी लगाएंगे बताइए ना। बीजेपी जाती है कूड़े के पहाड़ पर, आप लगाते हैं खड़े कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, तमाम यहाँ पे छठ के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं छठ का इस पर्व को मनाने के लिए, यमुना में इस आस्था के इस पर्व को मनाने के लिए। लोगों से हम बातचीत भी करेंगे कि क्या स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पे पर्व मना रहे हैं, क्योंकि हालात आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गंदगी का अंबार ही अंबार है, और यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं और लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम छठ व्रती हैं, यहाँ महिलाएं हैं और लगातार इस पर्व को मनाएंगी, और इन महिलाओं से भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं छठ को लेकर के। ये बताइए कि यमुना में पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, तैयारियां लगता है पूरी हैं? देखो, अभी तो इतना दिख नहीं रहा है हमें, हम तो नहाने आए, अपने अपने घर पे कर लेंगे, मतलब हम जैसे इतना दूर नहीं आते, हम बहुत दूर से आए हैं नाथोपुर से। यमुना साफ नजर आ रही है आपको? अभी तो सही है, इससे पहले तो और गंदे थे, अभी तो फिर भी ठीक लग रहा है, इतना भी साफ नहीं है, और होना चाहिए, और होना। क्या चीज, क्या कहेंगे? अगली साल तो इससे भी ज्यादा गंदा था, इस बार तो ये पानी साफ है, इस बार तो से कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं, लगता है तैयारियां पूरी है यमुना साफ। अभी भी पानी देखिए साफ है। आप देखिए अंजना कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे पर्व को मनाना है, इस तरीके से यमुना के जल को अपने घर पर लेकर के जाएंगे, इससे तमाम पकवान जो है वो बनाया जाएगा। आज से ये पर्व जो है वो शुरू हुआ है, और भी तमाम यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि तैयारियां लगता है पूरी हैं, किस तरीके से यमुना साफ है आपको लगता है? साफ है, अभी तो नहाई हूँ, पौर तो बहुत गंदा था। अच्छा, पहले से साफ है? हाँ, पहले से बहुत साफ है इस बार। अच्छा है, तैयारियां करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, आपके लिए व्यवस्था की गई है सरकार। संजीव जी, दबा दिया आप लोगों ने, ठीक है, कर देगा तो यहाँ पर परवाह हो जाएगा। नहीं नहीं, आप जवाब देने दीजिएगा अंजना जी, चूंकि आपने दिखाया तो मैं आपको तीनों बातें बता देता हूँ। नहीं नहीं, झाग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और ये जो आप जी, लोग केमिकल डाल रहे हैं, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर वहां से कि वो खतरनाक है, ये करना अंजना ठीक जी, है क्या? इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है सर। अंजना जी, आप भी छठी मैया की पूजा का जानते हैं ना कि क्या महत्व है, आप तो जानते होंगे संजीव झा जी। आपने सवाल किया, आप जवाब सुनना नहीं चाहती है, ये बोलिए आप लोगों के साथ एकदम नहीं, कोई हम लोग के साथ कोई गड़बड़ नहीं है, जवाब दीजिए, आप ही को मौका मिलेगा।
आपने कहा अधीर मत होइए, इतना अधीर ना होइए। अधीर आप हो रही हैं, मैं बिल्कुल मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे पूरे दिल्ली में छठ पूजा मैं करवाता हूँ, 1200 जगह छठ पूजा होता है, यमुना के 22 घाटों पे पूजा होता है। जिस कालिंदी कुंज का अभी आप विजुअल दिखा रहे हैं, ये कालिंदी कुंज पे कोई घाट नहीं है। आप आईटीओ घाट दिखाइए, मेरे यहाँ वजीराबाद घाट पे आ जाइए, कुदेसिया घाट पे आ जाइए, श्याम घाट पे आ जाइए, बजरंगी घाट पे आ जाइए, मैं आपको तैयारी भी दिखाता हूँ, यमुना की सफाई भी दिखाता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यमुना पूरी तरह साफ हो गई है, इस पर काम करना है। एक बात आप समझ लीजिए, आपने कहा कि आप केमिकल्स का फॉगिंग कर रहे हैं, नमामि गंगे में केंद्र सरकार ने इसको फ्यूमिगेशन के लिए रिकमेंड किया है। तो हर जो फ्यूमिगेशन के मटेरियल है वो जहरीला नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर जहरीला है तो फिर नमामि गंगे में केंद्र सरकार को ये रिकमेंड नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आधी अधूरी और केवल जो सूट करता वही जानकारी ना दें। अगर आप कालिंदी कुंज के पास गए थे, आपको आईटी पास भी आना चाहिए था, कुदेसिया घाट पे भी आना चाहिए था, सूर घाट पे भी आना चाहिए था, श्याम घाट पे भी आना चाहिए था। मैं तो आपको न्योता देती हूँ संजीव जी, जैसे आप लोगों ने पत्रकारिता से बहुत सारे नेता बना लीजिए, कुछ नेता छोड़ के पत्रकारिता में आ जाइए, जहाँ पर हमारा रिपोर्टर जहाँ से स्टोरी करेगा वहीं की दिखाएंगे ना। ये कोई बात हुआ कि आप पूरे पूरी दिल्ली से हर जगह की दिखाइए? अरे सर, आप सवाल कर रहे हैं, इतना आप लोग इतना क्यों अधीर हो जाते हैं? इतना क्यों आप लोगों को आदत हो गई हर किसी पर इल्जाम लगाने की? इसलिए 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 कि आप केवल सिलेक्टेड जानकारी दे रही हैं। सिलेक्टेड जानकारी नहीं दे रहे हैं, केवल यमुना केवल कालिंदी कुंज नहीं है, और कालिंदी कुंज जहाँ ये दिखा रही है यूपी इरिगेशन के डिपार्टमेंट पास में आता है ये। देखिए, बहस का नियम नंबर एक होता है संजीव जी, देखिए एक तो चिल्लाना बंद कीजिए, आराम से बात कीजिए। हमने आज सुबह से ड्रोन कैमरा भेजकर जो गाजीपुर के ये कूड़े कामबार है उसके ड्रोन शॉट्स भी दिखाए। जब तक वो आपको दिखाए तब तक आपको बड़े मजे आ रहे थे, लेकिन जैसे यमुना पे दिखा तो यहां का क्यों दिखाया, वहां का क्यों नहीं दिखाया, वहां क्यों नहीं दिखा रही है? देखिए सर, एक तो ना आप तय नहीं करेंगे कि क्या हम लोग दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, वो हमारा फैसला होगा। और हम दोनों पक्ष दिखा रहे हैं, ड्रोन शॉट्स एक्सक्लूसिव आज तक पर हम दिखा रहे हैं उस कूड़े के अंबार की। हम तो उसकी पूरी नपाई करके दिखा रहे हैं दर्शकों को, कितने साल से वो भी समझा रहे हैं। अब आप मेरी बात सुने, पहले बीच में मत बोलिए, आपका पक्ष जानने के लिए एक घंटे आपको बुलाया है, लेकिन अगर मीडिया पर इल्जाम लगाने से ये कूड़ा साफ हो जाता है, या फिर वो झाग जो दिख रहा है यमुना जी में इतने वर्षों से वो साफ हो जाता है, तो खूब इल्जाम लगाइए। ये क्या तरीका है सर, क्या तरीका? हाँ तो आप अपनी बात बताइए ना, आप अपनी बात बताइए, वो गलत तरीका आप बताइए कि कालिंदी कुंज का जो पार्ट है यूपी इरिगेशन का पार्ट है, क्यों नहीं बताती हैं आप? क्यों नहीं बताती हैं? यहाँ पे हरियाणा का आ रहा है, यूपी का आ रहा है, बताइए। तो सच तो जनता पता चलना चाहिए ना, फिर जब सच बताने लगते हैं तो आप अधीर हो जाती हैं। आप कहती हैं आप बीच मत बोलिए, तो धमकाने से काम नहीं चलेगा ना। आप चिल्ला रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा, पूरी जानकारी समचित जनता के पास जाना चाहिए, बस मैं इतना कह रहा हूँ।